वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति के बारे में। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का जो स्थापना है दोस्तों वो क्या था, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे, राजा राम मोहन राय, और इनके साथ एक और थे जिनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। और ये कब किए थे, 1828 को। कब कहते, 1828 को। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है दोस्तों प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्त, तो इसका था केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दीन ए इलाही मंसबदारी प्रथा। दीन ए इलाही और मंसबदारी प्रथा दोनों को अकबर ने अपने शासनकाल में क्या किया था, ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन किनके काल में था, ये रामानुज। भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है दोस्त, तो ये रामानुज से संबंधित है। नेक्स्ट है सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे, गुरु नानक थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट है दोस्तों जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक थे दोस्त स्वामी महावीर। नेक्स्ट है दोस्त इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत की जो स्थापना थे वो हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो था वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और इन्होंने 613 ईस्वी में ही लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट दोस्तों पारसी धर्म के प्रवर्तक। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है दोस्त, जो जतुर्ष्ट हैं। कौन है दोस्त, जतुर्ष्ट। नेक्स्ट है शक संवत। शक संवत किनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, तो शक संवत जो है वो कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ था। मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है दोस्तों न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के रचयिता कौन थे, तो न्याय दर्शन के जो रचयिता थे वो थे गौतम। न्याय दर्शन के जो तो रचयिता थे वो कौन थे, गौतम थे। नेक्स्ट है वैश्विक दर्शन इसका कौन थे दोस्त, तो इसका था महर्षि कनाथ। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन किससे संबंधित दोस्त, तो महर्षि कपिल से संबंधित है। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन किससे संबंधित है, तो योग दर्शन संबंधित है महर्षि पतंजलि से। नेक्स्ट है दोस्तों मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन किससे संबंधित दोस्त, मीमांसा दर्शन संबंधित है महर्षि जैमिन से। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो कौन है, वो श्री गुप्त हैं। नेक्स्ट है खालसा पंथ। खालसा पंथ का जो संस्थापक है वो कौन है, वो गुरु गोविंद सिंह हैं। नेक्स्ट है दोस्त मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो मुगल साम्राज्य का जो स्थापना किए थे वो किए थे बाबर ने। नेक्स्ट है दोस्त विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का दोनों मिल के किए थे, और दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो सती प्रथा का जो अंत किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों आंदोलन। तो आंदोलन में क्या दोस्तों देखते हैं, तो आंदोलन में असहयोग आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन, खेड़ा चंपारण, नमक, भारत छोड़ो, ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए थे। और सबसे पहले महात्मा गांधी 1817 ईस्वी में चंपारण आंदोलन से शुरू किए थे दोस्तों। नेक्स्ट है हरिजन संघ की स्थापना। तो हरिजन संघ की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे, तो रास बिहारी बोस किए थे। भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन कौन किए थे, तो आचार्य विनोबा भावे ने किए थे सबसे पहले। नेक्स्ट और इसी से दोस्तों भूदान आंदोलन कौन किए थे, आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे ही को ही सबसे पहला भारतीय थे जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला दोस्त। रेड क्रॉस को हेनरी ड्यूनेट ने स्थापना किए थे। रेड क्रॉस का स्थापना किसने किया, तो रेड क्रॉस का स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने किए।
नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे दोस्त पंडित मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। नेक्स्ट है दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना, तो गदर पार्टी के जो स्थापना किए थे कौन किए थे, तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल जी ने किए थे। नेक्स्ट है वंदे मातरम के रचयिता, तो वंदे मातरम के रचयिता दोस्त बंकिम चंद चटर्जी थे और जनगण मन अधिनायक के जो रचयिता है राष्ट्रगान के वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है दोस्त ये गुरु अर्जुन देव किया था और स्वर्ण मंदिर जो है वो पंजाब में है दोस्त। नेक्स्ट है बरदोली आंदोलन, बरदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था और बरदोली के महिलाओं ने ही वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी थी दोस्त। नेक्स्ट है पाकिस्तान की स्थापना, तो पाकिस्तान की स्थापना को मोहम्मद अली जिन्ना ने स्थापना किए थे, पाकिस्तान की स्थापना को किसने किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट है ओरोविले आश्रम की स्थापना जो किए थे वो अरबिंदो घोष किए थे। नेक्स्ट दोस्तों रूस क्रांति के जनक, तो रूस क्रांति के जनक दोस्त कौन है, तो वो है लेनिन। नेक्स्ट है दोस्त जामा मस्जिद का निर्माण, तो जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो दोस्त वो किसने किया था, तो किया था शाहजहां। नेक्स्ट है विश्व भारती की स्थापना, तो विश्व भारती की स्थापना वो किसने क्या स्थापना किया था दोस्त, तो इसको किया था रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।